more trouble for the Aam Aadmi Party Health Minister Satyendra Jain, who is under the IT department scanner. The Income Tax Department has summoned him to appear before it on the 4th of October as the BJP and the Congress point fingers the AAP leader's alleged conspiracy. जांच तो कहते हैं टीवी वाले भी तो करने में लगे हुए हैं मुझे तो सबसे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि उनको ये इंफॉर्मेशन दे कौन रहा है अगर मुझे एक गवाह के तौर पर बुलाया गया है गवाह के तौर पर बुलाने मुझे ये भी नहीं पता वो क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे मीडिया को सब कुछ पता है उन्होंने क्वेश्चनर भी बता दिया कि इनकम टैक्स वाले क्या क्या पूछने जा रहे हैं इनकम टैक्स ने क्या क्या बात करी है किससे क्या बात करी है ये तो बड़ी अजीब सी कहानी है तो मतलब इनकम टैक्स वालों को ने सबसे मतलब मीडिया को बुला के ब्रीफिंग कर रहे हैं कि आप बताइएगा रिपोर्ट दिखाइएगा मुताबिक कि इन कंपनियों के कुछ ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कहां से आ रही है ये भी तो पता लगे ना ये रिपोर्ट का सोर्स क्या है मेरे पास तो रिपोर्ट नहीं आ रही तो मुझे समझ से बाहर आ रही है कि आपको कैसे सारी बातें पता मुझे तो नहीं पता अभी तक मुझे तो इनकम टैक्स नहीं मतलब 4 तारीख को बुलाएंगे 4 तारीख को वहीं पर आएगा जो जो मुझसे पूछे सारा आपसे शेयर करूंगा एक एक चीज शेयर करूंगा या आप मुझे बताइए किस ऑफिसर ने आपसे शेयर किया मैं भी उसको फोन करके पूछ लेता हूँ भाई साहब मुझे बता दो बीजेपी की साजिश आप मानते हैं कहीं ना कहीं आप खुद ही कह रहे हैं इसमें कुछ शक सवाल है सर ये वास्तव में सवाल नहीं है जवाब है सबको पता है साजिश है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और अब दो दिन बाद ना जितना मैंने कल भी कहा था देखिएगा परसों शुक्रवार को मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं आप उसको लाइव दिखाइए देखते हैं सत्येंद्र जैन अगेंस्ट हिम देयर आर 3-4 केसेस एंड इन दैट हवाला इज आल्सो इन्वॉल्वड दैट इज व्हाट आई हर्ड It is most unfortunate that the government, MLAs and ministers of Aam Aadmi Party, more than a dozen people are involved in serious corruption and criminal charges. Satyendra Jain's case is the last in this series. And Kejriwal came out defending him. Then what is the stand of Kejriwal against corruption? Kejriwal's party all through has been saying that they are against corruption. Now it seems the only job of the Chief Minister of Delhi is to shield the people who are corrupt. मुझे लगता है कि कहीं केजरीवाल से साहब से उनकी दोस्ती पुरानी है या रिश्तेदारी है कोई उनकी सलाह को केजरीवाल साहब रेवेन्यू सर्विस के अफसर थे उनको शायद सलाह दे रहे थे कैसे वो टैक्स इवेजन करना और कैसे अपना नंबर दो का पैसा नंबर काला धन अपना कैसे घुमाना उसको ठीक करना ये सलाह दे रहे थे नहीं तो उनकी कंपनीज के अंदर वो कंपनी है जिनके कोई खाते नहीं है एक कमरे से जो कंपनी चल रही थी वो उनके इन्वेस्ट करती हैं और उसके बाद जो पैसा इनके इन्वेस्ट करती है वो जो शेयर लेती हैं वो एक 10 रुपये का शेयर 500 में लेती है जबकि इनकी खुद की कंपनी घाटे की कंपनी है वो 500 रुपये का शेयर लेती है इनके यहाँ और फिर अपने खातों में उनके खातों में दिखता नहीं है वो सबकी सब एक NS रोड कलकत्ता में है उस रोड से कंपनी चलती हैं उनके जो जब बही खाते देखे जाते हैं तो उन बही खातों में कहीं इस प्रकार का मामला है नहीं कि उन्होंने लोन दिए हैं तो साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं आप उनको पैसे दे रहे थे केजरीवाल साहब आपको सलाह दे रहे थे कैसे करना है आप उनको पैसे दे रहे थे और रुपये देकर वो कच्चे का पैसा देकर यहाँ आप उसको उनके उनसे चेक ले रहे थे और फिर जब आपको लगा कि मैंने चुनाव लड़ना है तो आपने थोड़ी सफाई करने की कोशिश की और सफाई करते करते आप दाब में आ गए असली बात तो ये है वो जितना छुपाएंगे उतना फंसेंगे अच्छा ये है जैसे तोमर साहब के मामले में जैसे संदीप के मामले में केजरीवाल साहब जितनी जल्दी इससे अपना पिन छुड़ाएंगे उतना अच्छा है क्योंकि जितनी जितनी परतें खुलेंगी जितनी जितनी जानकारी और आज मामला एक और ये भूल रहे हैं कि वो बेशक अब ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं करते परंतु इंटरनेट तो सबके लिए सब कुछ बोल देता है यू कैन वॉच लाइव टीवी ऑन आवर वेबसाइट mbnow.in फाइंड अस ऑन फेसबुक एट facebook.com/magicbricksnow And don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at Magic Bricks Now. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/magicbricksnow.